ये जो आपके साथ समस्या देख रहे हैं, आप जो भी कुंभ राशि का जो भी कह रहे हैं कि 2019 से आपके साथ प्रॉब्लम चालू हुआ, यानी प्री 7.5 ही। हाँ जी, ये जो 3 डेट बताए इसमें आप ये सब देख के सहन नहीं कर पाए, आपके जीवन में ढेर सारा कष्ट और मानसिक पीड़ा में रहे। ये उम्र उनका उम्र नियर अबाउट वही 47-50 होगा, होने वाले 45 के उम्र में अगर कोई ऐसा व्यवहार करती हैं, ऐसा ये करती हैं, तो देखिए इसमें इनके कुंडली में तो लव मैरिज का योग बड़ा भयंकर रूप में है, लेकिन आपके कुंडली में वो चीज़ नहीं मिल रहा है। और अगर ये शनि के 7.5 में शनि बाबा आपको ये दृश्य दिखाए, भले आप सीसीटीवी लगा के देखो, चाहे आप ये डायरेक्ट देखो, कुछ भी हो, आपकी दृष्टि में आया तो क्यों आया, आपको क्या लगता है कि ऐसा दृश्य जो आपका जिंदगी को पस्त कर दे, कुछ कर्मों का फल था इसलिए आपकी दृष्टि में आया, लेकिन टेक्निकल वो ये कहीं ना कहीं आपका भी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, दिव्यांगता है, वो भी एक कारण कहीं ना कहीं बनता है, क्योंकि आज के डेट। जी, ये नेचुरली बिना कर्म का तो फल नहीं मिलता, कर्म से ही फल मिलता है, और कर्म को कर्म से ही काटा जाता है। और आप जो आपका ये बड़प्पन है, आपके हृदय का ये मानता है कि आप ये कह रहे हो कि चलो माफ़ी मांग लो तो मैं छोड़ भी माफ़ भी कर दूँ, तो ये सबसे पहला कि जो भी आपके जीवन में ये दृश्य सामने आए, नज़र आए, इसके पीछे आप अपना सही निर्णय बता रहे हो कि हाँ आपके जीवन पे कुछ कर्म था, लेकिन मेरे डायमेंशन आपका कुंडली देखते हुए मैं कहूँगा कि शनि बाबा यहाँ आपको सच्चाई दिखाए, सच्चाई से रूबरू कराए, इसलिए नहीं कराए कि आप उनसे मतलब दूर हो जाओ या घृणा करो, इसलिए कराए क्योंकि अब जब आप वानप्रस्थी जीवन जीने वाले हो, आपका भी उम्र 60-70 साल, 60 साल होने वाला है, रिटायर्ड होने के लिए 3 दिन बाकी है, 60 साल हो गया, तो अभी यहाँ शनि बाबा आपके कुंडली में प्रवज्ञा योग बन रहा है, प्रवज्ञा योग या ऐसे समझिए ईश्वर मार्ग में जाने वाला योग, या भक्ति मार्ग में जाने वाला, या संन्यास मार्ग में जाने वाला योग, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक। अब उसमें और डीप रूटेड अंदर जाना है। देखिए ऐसा है ना कि आप ये जो छोटे छोटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हनुमान चालीसा, त्रिसंध्या, बहुत सुंदर, मैं जो बताता हूँ आप वही करते हो, सुन के खुशी लगा, लेकिन आपके कुंडली में कुछ ज़्यादा करने का योग है, कुछ ज़्यादा आध्यात्मिक प्रैक्टिस करने का योग बता रहा है। हाँ देखो ये एक प्रकार का संन्यास योग बनता है ना, जहाँ से आपको भगवान ऐसे दृश्य दिखाएगा या शनि बाबा आपको ऐसे दृश्य दिखाएंगे कि जहाँ आपको ये संसार, ये धरती असार लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा, और धीरे धीरे आपके अंदर वो न्यूट्रलिटी आ जाएगा, वो प्रज्ञा जग जाएगा कि हाँ यार यहाँ किसे अपना कहना है, किसको ले, किसको जिंदगी भर जिसको खिलाया पिलाया, पोला पाला पोसा और ख्याल रखा आज के डेट में। जी, हाँ, तो उसके बावजूद भी अगर कोई कामना वासना के लिए अगले पति के साथ गद्दारी कर दे, ठीक है, और किसी और के साथ इस प्रकार के शारीरिक संबंध रखे, ये देखिए आज के डेट में केवल ये आपके साथ है, ऐसा नहीं है सर, ठीक है, मतलब आज पता नहीं आज के दिन में मेरे पास जितने कॉलर्स हैं या जितने भी आज मेरे अपॉइंटमेंट हैं सारे इसी केस के हैं, ठीक है। तो ये तो पूरे देश में ही क्या कहूँ, पूरे विश्व में इसका आंकड़ा बढ़ा हुआ है, और ये आंकड़ा बढ़ने, हाँ ये बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रहस्य है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल बॉइलिंग, और सबसे बड़ा जो इसका घटक है वो बन गया है मोबाइल, ठीक है।
और मोबाइल में हर चीज़ इजीली एक्सेस होना हो जाता है। और जब भी भारतीय घर में, क्योंकि हम लोग अपने पत्नी के साथ बड़े मतलब क्लोज कनेक्टेड बिहेव करते हैं, भारतवर्ष में एक रिलेटेड है, तो जिसमें तू ता बेबा और गाली गुलज झगड़ा झंझट इस प्रकार के, लेकिन उसमें वो भी प्यार भरा होता है। वो भी 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो फीलिंग्स एंड थॉट है, सब कोई अपना अपना मोबाइल लेके बैठा है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहा है, एक दूसरे के साथ हाँ अगल बगल में बैठे हैं, बात नहीं करते, बिस्तर में भी जाते हैं मोबाइल ये अपना वो अपना खोल के बैठा ही बैठी है बैठा है। तो ये सारा चीज़ है जो एक दूसरे के साथ जो क्लोज कनेक्शन देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे, एक जो रिलेशन बिल्डअप होना चाहिए वो नहीं होना, ये सबसे बड़ा तो मोबाइल का कारण है। इवन बाप भी सामने खड़ा है तो बेटा मोबाइल खेल रहा है, बाप बात कर रहा है तो मोबाइल रुक भी नहीं रहे। इसमें देखिए फिर मोबाइल एक तो घटक है, एक कारण है, एक कारक है, लेकिन पूर्ण कारक नहीं है। क्योंकि अगर ये जितने भी आपके आपके कुंडली में अगर ऐसे योग है जहाँ पर पत्नी के द्वारा मृत्यु तुल्य पीड़ा पाना और इस प्रकार का चीज़ है ना, तो ये अगर कुंडली में है ठीक है, लेकिन मैं आज तक जितने कुंडली देखा हूँ उस कुंडली में देखिए सप्तमस्त गुरु हो, सप्तमस्त बुध हो, सप्तमस्त शुक्र हो, ठीक है मैरिज लाइफ टूटने टूटते हैं, लेकिन स्वगृही गुरु आपके कुंडली में बैठा हो और तोड़ दे, ये एक रेयर स्टोरीज। तो ऐसे कंडीशन पे स्वगृही कोई अपना घर तो नहीं तोड़ेगा। गुरु अगर सप्तम स्थान पे स्वगृही होके बैठे तो ये महान राजयोग बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ गुरु बृहस्पति को थोड़ी पता था कि आपका बीवी मोबाइल पकड़ती है, तो कोई पढ़ा लिया तो उसका बीवी आयस के साथ भाग गई है ना। तो ये सारा जो तो एनीथिंग इट मे बी सर, इसमें आपका बड़प्पन है कि आप उसके बावजूद भी स्वीकार करना चाहते हो, बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये भाव रखे हैं। और गुरु नहीं मेरे पास, मैं देखिए इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मेरे पास जितने केसेस हैं ना, आज आप पहला व्यक्ति हो जो ये कह रहे हो कि मैं ये सब देखने के बावजूद भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आज तक एक भी आदमी नहीं बोला सर, मेरे वीडियो में जितने सारे मैं रिकॉर्डिंग रखता हूँ मेरे केस स्टडी करने के लिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं इस प्रकार का वीडियो बनाते रहता हूँ, मेरे को एक किसी ने नहीं बोला आज तक कि गुरुजी हम लोग ऐसा देखें और मैं इसके बावजूद भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा एक भी पुरुष, भले कहीं ना कहीं पत्नी तैयार है कि आप क्या करें, ठीक है एक पति का तो 4 पत्नी हो जाते हैं। जी 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 ओह अच्छा, फिर तो मेरे को रास्ता मिल गया। आप ऐसा अभी जो एक बात बताइए, इफ़ यू आर आर्य समाजी तो जो यज्ञ का परंपरा है, यज्ञ परंपरा है कर लो प्रभु, ये पूरा समाधान कर देगा आपको और ऐसे गलत रास्ता में आपके परिवार को टूटने से बचाएगा। आर्य समाज में जो ईश्वर के लिए जो यज्ञ है बहुत अच्छा पद्धति है। मैं भी किसी ज़माने में आर्य समाज के साथ घनिष्ठता से संश्लिष्ट था, मेरा गुरुजी आर्य समाज से थोड़ा सा साइड हुए तो हम लोग भी मैं हट गया थोड़ा सा, मतलब अभी कनेक्टेड नहीं हूँ लेकिन मेरा बेस आर्य समाज था, मेरा मेन बेस आर्य समाज है। मैं पतंजलि आर्य समाज से पढ़ा और सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज से बहुत सारे शिविर अटेंड किया, संस्कृत का बेस भी आर्य समाज है, मैं जो भी संस्कृत कर तो मैं इसी हिसाब में मैं आपको ये कभी भी हिदायत नहीं दूंगा कि आप ग्रहों के चक्कर में पढ़ो, वह शनि राहु केतु के पीछे पढ़ो, क्योंकि हमारे आर्य समाज में इसके ऊपर कोई मतलब एम्फासिस नहीं है। और इसीलिए श्री गुरुदेव ने इसीलिए इस प्रकार को रखे, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार ईश्वर सानिध्य में आ गया, ईश्वर मार्ग में आ गया, या वो बुद्ध परस्ती को नहीं मानता है परंतु ईश्वरीय जो अनंत सत्ता को मानता है, आत्मा और चेतना के पीछे चलता है, उसको कोई ग्रह कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, वो अवे ऑफ दैट ग्रह, इसे हायर इंटेलेक्चुअल ज्ञान योग में चले गया बात, ठीक है ना। वेद के विषय मतलब उद्धृत विषय पे चले गए हम लोग, तो इस क्षेत्र में मैं कहूँगा कि एक बढ़िया
यज्ञ का अनुष्ठान आर्य समाज के जो भी पंडित वर्ग हैं, सन्यासी वर्ग हैं, उनको लेके आप अपने घर के गृह शांति हेतु और विश्व शांति हेतु और अपने मन के शांति हेतु करें। और ये तो आपके आसपास कहीं भी आर्य समाज हो वहाँ जाके करा सकते हैं। जहाँ पर ये दुर्घटना ये जहाँ पर ये ऐसे घटना घटे हैं वहाँ करें, या फिर अपने अपना घर हो वहाँ करें, या फिर अपने पुश्तैनी घर हो वहाँ करें। गवर्नमेंट का घर छोड़ दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का घर को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप अपने जहाँ प्राइवेट खरीद अपना अपने घर में करिए, जो आपका खरीदा हुआ घर है उसमें करिए, ठीक है। और बढ़िया से करके फिर इसके लिए क्या है, गुरु बृहस्पति इज इन सेवेंथ हाउस, तो इसके लिए जो सन्यासी लोग आएंगे वो नेचुरली आपसे वयोज्येष्ठ हों, और उनको पीला कपड़ा दान करना है, पीला कपड़ा, ठीक है। और उनको जो भी पकवान खिलाओगे उसमें कुछ पीले तत्व भी पकवान होने चाहिए, ठीक है। हाँ, इस प्रकार के जो भी पीले तत्व हैं वो देना है। और ये जो दोष है ये इसका निवारण हेतु कम से कम संभवतः 1008 तक का आहुति डाला जा सकता है, नहीं तो 501 में भी चल जाएगा, और उससे भी संभव नहीं है तो 101 आहुति के साथ ये हवन आप करा के शांति पाठ जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ समाधान मिलेंगे। और एक यज्ञ में नहीं हुआ तो 3-4 अगर छोटे लेवल पे करते हैं तो 3-4 यज्ञ करवा लीजिए। मेरे को दिखाई दे रहा है कि 7 यज्ञ में समाधान मिल जाना चाहिए। आप तो ठहरे कुंभ राशि वाले ना, तो कुंभ, हाँ, तो कुंभ राशि में 7.5 के मध्य भाग आप बोल रहे हो 2019 से ये आपके साथ जो कुछ हुआ वो तो 19, 20, 21 फिर 22, 23, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं चलूं कि आपके नवांश कुंडली को लेके और ये को लेके, तो इस प्रकार के जो भी घटनाएं हैं ये 7.5 जनित समस्या से परे है। यानी जिस आप सबसे पहला बात ये है कि आप ऑलरेडी शनि का महादशा को क्रॉस कर लिए हो, ठीक है। तो हाँ, 2017 में आपका शनि का महादशा समापन हो गया, उसके बाद बुध का अंतरदशा चालू हुआ। बुध बहुत बहुत सारे घटनाओं में बुध ऐसा करता है आदमी को, क्योंकि बुध थोड़ा सा नारायण भगवान जैसा है, विष्णु भगवान जैसा है, तो वो आदमी के माइंड लाइन को चाइल्डिस्ट बनाना या आध्यात्म में लेना, या मैं बहुत बड़े बड़े काली भक्तों को देखा हूँ जो लोग इस समय विष्णु भक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा डाइवर्सन चेंजेस लाइफ में लाता है। 17 में समापन हुआ, 18-19 बुध में बुध खत्म के कगार पे था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं से आपके लिए एक प्रवज्ञा, एक अध्यात्म, एक सन्यास, एक प्रकार के इस संसार से, संसार के सार को देख लिए, असारता को देख लिए, तो अब यहाँ आपके लिए यह आध्यात्मिक यज्ञों से अपने इन जो भी तत्व हैं, मैं पाप शब्द नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर, पाप शब्द नहीं लगा रहा हूँ, कर्म शब्द लगा रहा हूँ, इनके प्रायश्चित कर्म करते हुए आध्यात्म में पूर्णतया आपको निकलना है। ये तो परम सत्य है कि आप ज्ञानी हो, स्वगृही गुरु है, स्वगृही नहीं नहीं ऐसा है ना महाराज, बता रहा हूँ सुन लो। देखो, हमें किसी को ये नहीं पता होता है कि यार मेरा ज्ञान का लेवल क्या है। कुछ तो आप पूर्व जन्म से कुछ संस्कार रहते हैं आपके अंदर। इस जन्म में मैं ठीक है, इस जन्म में कलयुग है, पैसे के कीड़े हुए, पैसा कमाते कमाते ATM मशीन बन गए, संसार को नहीं समझ पाए। लेकिन अगर आपके यही वो टाइम होता है जहां व्यक्ति के जीवन में ज्ञान उदय होता है, तो आपके अंदर जब जिसके कुंडली में स्वगृही गुरु है, अब सबसे वल्नरेबल कंडीशन 6, 8, 12 वाला भी गुरु हो जाए ना, तो भी वो व्यक्ति ज्ञानी रहता है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको तो गोली मारो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी ये देखना है कि देखो, शादी का घर हम लोग सप्तम से देखेंगे, लग्न से सप्तम और चंद्रमा से सप्तम, ठीक है, और चंद्रमा से सप्तम भी देखेंगे और लग्न से भी देखेंगे, और सूर्य जहाँ बैठा है उसका भी सप्तम में देखेंगे।
तो और बिंदु कुंडली से सप्तम को देखेंगे, तो ये तीनों कह रहे हैं कि विवाह में, क्योंकि एक जगह में शुभ ग्रह बैठा है, दो जगह में मंगल, एक में मंगल एक में केतु बैठा हुआ है, और एक सप्तम में शनि बैठा हुआ है, तो तीन नंबर तो आपको काटने के लिए दे रहे हैं। एक नंबर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि स्वगृही दोनों हैं तो घर नहीं टूटेगा, कहीं ना कहीं से आज नहीं तो कल बचेगा। अब द्वितीय विचार ये करेंगे कि आपका जो बीवी का धर्मपत्नी का कुंडली मेरे को दिखा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, ये मैं आपको 100% लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि अगर ये इस दौरान अपने आप को नहीं सुधारती है या क्षमा मांग के आपकी तरफ नहीं आती है, तो इसके बाद तो इसके जिंदगी में समस्या चालू हो जाएगी। नाउ सी इज इन पनिशमेंट जोन। ये और ये आपको देखो, ये किसी नारी के विरुद्ध में या पीछे बोलना नहीं चाहिए, ये इनका कुंडली ये कह रहा है कि इससे पहले भी कुछ संबंध होंगे, मतलब ये हाँ, ये कोई आज का संपर्क आपके सामने उघड़ के शनि बाबा ला के 30 साल में दिखा दिए, ये नहीं है। ये तो अभी केवल आपके आंख के सामने भांडाफोड़ हुआ, लेकिन आपके पत्नी का कुंडली 100% जो भी दोष है इस कुंडली में, मैं ये सब किसी का चरित्र हनन करना नहीं चाहता हूँ। जी, तो ये इनके हिसाब में ये अभी इनका तो हिसाब निकास का टाइम आ गया, ठीक है। और ये जो राहु 4 महीना के बाद चेंज करने वाले हैं, और उसके बाद आप देखो कि इनको कहीं ना कहीं एक प्रकार के पागलपन के दौरे शिकार होने का संभावना बहुत ज़्यादा जोर दिखाई दे, मतलब ऐसे समझो कि ये जो पूरे 30 साल के अंदर का सारा हिसाब निकास यहाँ पर बराबर होने जा रहा है। ये तो आपका प्यार है कि आप चाहते हो कुछ नहीं हो, लेकिन मेरे को ये कहने के पीछे रहस्य ये है कि इस समय आपको संभालना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप अपने को इन सारे तामझाम, इन सारे समस्याओं से अगर निकाल लेना चाहते हो, देखो फिजिकली निकालना बड़ा आसान है, फिजिकली आप दूर रहो मैं दूर रहूं, लेकिन जो मेंटल लेवल पे है, हृदय लेवल पे है, ये जब आदमी को अंदर से मतलब टिस मारता है, दर्द देता है, बार बार उसी के बारे में सोच में जाता है, और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हानि मेंटली फिजिकली आर्थिक में और हृदय में कष्ट और पीड़ा ऐसा रहता है कि रात को नींद नहीं होना, अनिद्रा जैसे होना, दूसरे के सामने अपने को खुद को, हाँ, तो यही कहना चाहता था कि वो जो भी अगर आपको ऐसे जीवन में कोई गुरु साधु संत सन्यासी मिल जाए तो उनसे दीक्षा वगैरह लेके आपको थोड़ा सा ज़्यादा साधना करना पड़ेगा, नहीं उतना तक देर हो जाएगा। आप कब आओगे मेरे पास, आओगे मैं आपको साधना कराऊंगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी अगर आप वहाँ, आप अगर ऐसे महानगर में हो और आपको आसपास अगर कोई भी गुरु मिल जाए, जो भी मिल जाए, पहले एक क्लास ख़त्म करो फिर प्रोफेसर के पीछे जाओ, ठीक है ना। तो जो भी लोकल गुरु है, आपको जो भी मार्गदर्शन दे, जो भी मंत्र दे दे या हवन दे दे, या ऐसा हो कि आप वेदों को अध्ययन करने के लिए, क्योंकि अगर रिटायर्ड हो जाते हैं और आपका सारा काम ओके हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तीर्थाटन में या कोई ऐसे आश्रम में जहां पर जाके आप कुछ दिन साधना कर सको, तपस्या कर सको, क्योंकि मैं ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके बीवी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा पेन होगा, कल भगवान ना करे उन माँ का उदाहरण दे के वो अपने कैरेक्टर खराब ना कर लें, ठीक है ना। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, वो गलत बात है। सर आप पिता हो और पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बेटा बेटी को सही जगह से शादी कराए, छोड़ दो उस बात को, फिर आप देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो बच्चे आज इस प्रकार के माहौल को देखने के बाद शादी के लिए मना कर रहे हैं, जब उनका दशा अंतरदशा आएगा, अच्छा समय आएगा, वो ये सब भूल जाएंगे, हाँ ठीक हो जाएंगे। नहीं, 2023 में समाधान मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है वर्तमान आपके कुंडली, हाँ 25 में, और अगर देखिए अक्टूबर नवंबर से दिसंबर के अंदर कुछ समाधान तो बहुत दिख रहे हैं, ठीक है, हाँ वो एक बहुत बड़ा चेंजेस, एक ड्रास्टिक चेंजेस अभी आने का पूरा संभावना दिख रहा है। उन दौरान अगर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया तो समझो मिल गया,
लेकिन आपके दशा अंतरदशा से मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हाँ ये उतना ज़्यादा कवर अप होगा ये मुझे नहीं दिख रहा है।